विधिज विषयान् प्राश्य भोगान् सविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वति विभवान् ज्योतिषाश्रेण सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनिष्ठापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के आगम प्रकरण पर विचार करते हुए अब हम तो छह मंत्र पढ़ने के बाद जो कारिका आया हुआ है उसमें द्वितीय कारिका भी करेंगे। इसमें कारिकाकार बोल रहे हैं कि ये जो है जीव जागृत कर्म मुख्य रूप से आँख में बैठे दक्षिण आँख में बैठ करके व्यवहार करते हैं, स्वप्न काल में मन में, असुषुप्ति काल में हृदयाकाश में बैठ कर व्यवहार करते हैं। और एक मतलब एक ही तत्व तो जो है उपाधि भेद से अलग अलग नाम से कहा जाता है। भगवान भास्कर इसीलिए बोलते हैं यहीं से अभ्यास करिए कि कैसे जागृत में बैठ करके आप अपनी स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। सुषुप्ति अवस्था में दृष्टांत है कि हमारा उपाधि के साथ तादात्म्य छूटने के कारण कोई भी विषय के साथ इंद्रिय का संयोग नहीं होता, फिर भी हम उठ करके बोलते हैं कि हम आनंद से सोया था। सबूत है, क्या सबूत है कि विषय इंद्रिय से रहित आनंद जो है वह हमारे स्वरूप आनंद है और उसी आनंद का ये मात्रा को लेकर के सभी जीव जीते रहते हैं, हम व्यवहार करते रहते। अब जो है यहाँ पे तुलना करते हुए जब विश्व के साथ विराट का मतलब व्यष्टि स्थूल उपहित चेतन का नाम है विश्व और समष्टि स्थूल उपहित चेतन का नाम है विराट। ये अध्यात्म और अधिदेविक एक ही है, कोई भिन्न नहीं है। हमारे यहाँ से पूर्ण ही है परंतु माया के कारण परिच्छिन्न रूप में प्रतीति होती है। इसी प्रकार से तेजस और हिरण्यगर्भ में भी एकत्व दिखा है। अब तो सुषुप्ति अवस्था में आकर के जो प्राण नाम लेकर के जो जीव विद्यमान रहते हैं उसके अव्यक्त के साथ एकत्व दिखाए गए हैं। आध्यात्मिक अभिवृद्धि का एक है ऐसा सोच करके और उसमें उपाधि को लेकर भी दिखाया और उपहित को लेकर के भी दिखाया। उपाधि धर्म क्या है उसमें सब कुछ छुप जाता है और क्या होता है उसी से सब कुछ अभिव्यक्त होता है। सुषुप्ति अवस्था में प्राण में सब कुछ लय प्राप्त करते हैं, प्राण सभी व्यक्त होता है। इसी प्रकार महाप्रलय में सब अव्यक्त में लय प्राप्त करते हैं, अव्यक्त तो सभी व्यक्त होता है। प्रसव बीजात्मक उच्च ये हो गया दोनों का समान, ये उपाधि का धर्म हो गया। और उपहित का धर्म क्या है उस सभी में एक ही अधिष्ठाता चेतन तत्व है जो उसके रहने के कारण इस जड़ में प्रवृत्ति होना संभव है। यद्यपि उपाधि के साथ एक परिच्छिन्न रूप में दिखाई पड़ता है और वो भी परिच्छिन्न किंतु एक ही बात में सृष्टि है, तीन बात तो अमृतमय है, एक ही बात में उनकी सृष्टि है। परंतु क्या होता है ये उपाधि के धर्म से और उपहित के धर्म से, उपहित मतलब जिसके साथ उपाधि जो उपाधि के साथ समझा जा रहा है उनका अपना स्वरूप से एक ही होने के कारण यहाँ पे ये कहना गलत नहीं है कि प्राण और अव्यकृत एक ही है, मतलब प्राणक अव्यकृत एक ही। ऐसा बात नहीं है क्योंकि अन्य दर्शन में प्राण शब्द का प्रयोग पंचवृत्तियात्मक प्राण में करते हैं। प्राण अपान समान बयान उदान वहां पर प्राण का प्रयोग होता है, अव्यक्त में प्राण शब्द का प्रयोग तो कहीं होता ही नहीं है, दिखाई नहीं दिया। भाष्यकार बोलते हैं अन्य दर्शनों में होने पर भी आप वेदांत तो दर्शन को चूक से देखिए कि प्रत्येक दर्शन के अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं। हमारे यहाँ पे वेदांत तो ब्रह्मसूत्र में पहले अध्याय में व्यासदेव जी ने ये दिखाया, उपनिषदों में जहाँ कहीं भी किसी शब्दों के द्वारा कहा गया है उसका तात्पर्य ब्रह्म में ही है, उसका तात्पर्य ब्रह्म में ही है। कल देखिए हम लोग भाष्य में 35 पेज में ये शंका उन्होंने, यदि आप ऐसा ही कहना चाहते हो तब वहाँ पे मतलब जहाँ पे आपने प्राणबंधन सौम्य मनो ये कहा वहाँ पे तो श्रुति निर्गुण निराकार निर्विशेष को प्रतिपादन करना चाहते हैं, आप सभी को लेकर के कैसे कह रहे हैं। तब बोलते हैं वहाँ पे ईश्वर शब्द ईश्वर मतलब माया उपाधि के साथ बीज अवस्था के साथ ही शब्द प्रयोग होता है और निर्बीज में अथवा निर्विशेष में कोई शब्द प्रयोग नहीं होता, केवल मात्र निषेध मुख से उसको प्रतिपादन करते हैं।
और यहाँ पे सत्य रूप में अफर्मेटिव रूप में कथन किया गया, इसलिए यहाँ पे जहाँ कहीं भी अफर्मेटिव रूप में कथन किया जाएगा तब वहाँ पे कुछ ना कुछ उपाधि के साथ ही वहाँ पर शब्द प्रयोग होते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये प्राण शब्द जो है बीज अवस्था, जैसे हमारे व्यष्टि में बीज अवस्था है, इसी प्रकार अव्यक्ति को समष्टि का बीज अवस्था है, इस कहने में कोई गलत नहीं है। तो संकल्प तो वहाँ पर निर्विशेष नहीं हो सकता है, क्यों? सृष्टि की प्रक्रिया दिखाना चाहते हैं वहाँ पर, इसलिए माया उपाधि के साथ उसको कहा जा रहा है। देखिए कल इस पंक्ति को पढ़ लिया थे हमने 35 पेज में, ननु तत्र सदैव सौम्य इति प्रतितम सद्ब्रह्म प्राण शब्द वाच्यम, जो जिसको लेकर के विचार शुरू हुआ था, सदात्मक मतलब विद्यमान मात्र जो सस्तु व्यापक तत्व है, विद्यमान मात्र जो व्यापक तत्व है, उसी को वहाँ पे प्राण शब्द के द्वारा कहा गया है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम अस्वीकार नहीं करते हैं, पर तो आगे जैसे बोला ना तत्ते जो एक क्षत वहाँ पे जो सृष्टि की प्रक्रिया दिखा रहा है, तो वहाँ पे तो निर्गुण निराकार निर्विशेष अकेला काम नहीं कर सकते हैं, कोई न कोई उपाधि चाहिए। इसीलिए नैष दोष आपका कथन वहाँ पर ऐसा शब्द प्रयोग किया गया तो दोष का, क्यों? बीजात्मकत्व अभ्युपगमात सतह, वहाँ पर जो सत्शब्द प्रयोग किया गया उस सृष्टि का बीज है, ऐसा मान्यता देकर तो वहाँ पर सत्शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना? ऐसा मान्यता दे करके वहाँ पे सत शब्द का प्रयोग किया गया है। यद्यपि सद्ब्रह्म प्राण शब्द वाच्य तत्र, ठीक बोला आपने, क्योंकि वहाँ पे जो प्राण शब्द तत्र मतलब प्राण बंधन सौम्य मन, इस वाक्य में जो वहाँ पे प्राण शब्द प्रयोग किया गया है वो सत का ही बोधक है। उपक्रम में सत शब्द प्रयोग किया गया तो सदैव सौम्यतम अग्रे आसीन, तो प्राण शब्द वहाँ पे सत का ही बोधक है, इसमें से कोई शंका नहीं है। यद्यपि सद्ब्रह्म प्राण शब्द वाच्यम तत्र तथापि, परंतु वहाँ पे क्या है, जीव प्रसव बीजात्मकत्व, सारा सृष्टि की प्रसव की बीज स्थिति वो है, ऐसा होने के कारण उसी को छोड़े बिना ही अपरित्यज्य एव प्राण शब्द वाच्यत्म सद, उसको छोड़े बिना ही मतलब उस बीज को वहाँ पे रख करके तब जा करके वहाँ पे ब्रह्म को प्राण शब्द के तरह कहा गया। सत का सत प्राण शब्द वाच्यत्म, सत में प्राण शब्द वाच्यता जाके बैठता है, सत शब्द वाच्यता जाके मतलब प्राण शब्द तो वाच्यता हो गया आपका बीज के साथ, और सत शब्द वाच्यता मतलब निर्गुण निराकार निर्विशेष भी एक ही सत शब्द का हमने प्रयोग किया, क्योंकि सत यहाँ पर सत शब्द प्रयोग किया, आगे सृष्टि दिखा रहे हैं, जब इसको सृष्टि दिखा रहे हैं तो आप यहाँ पे बीज अवस्था को लेकर के बोलते हैं, पर तो जब सद ये अनिमा जा करके निर्विशेष को दिखा रहा है तब इसके द्वारा निर्विशेष का भी बोधक होता है, ये यहाँ का अभिप्रेत अर्थ है। इसीलिए आप बोलते हैं कि यद्यपि सद्ब्रह्म प्राण शब्द वाच्यम तत्र तथापि बीज प्रसव बीजा जीव प्रसव बीजात्मकत्वम अपरित्यज्य एव प्राण शब्द वाच्यत्वम सतः, सत का प्राण शब्द वाच्यत्व भी है और सत शब्द वाच्यता भी है ना, सत शब्द का भी बोधक है, सत मतलब निर्विशेष का भी बोधक है, ईश्वर का भी बोधक है। चलो अब यहाँ तक हम कल पढ़ लिए थे, इसको पट्टिका में देखिए कल इसको भी पढ़ लिए थे कि संग्रह वाक्यम प्रपद्यते, संग्रह वाक्य है बीजात्मकत्वाभ्युपगमात सतः, ये हो गया संग्रह वाक्य, ठीक है? कौन सा संग्रह वाक्य बोले, बीजात्मकत्वाभ्युपगमात सतः संग्रह वाक्य है। इस संग्रह वाक्य में वो जो प्राण बंधन विषय मन ये बोल कर कहा था यहाँ पे जो इसका व्याख्या कर रहा है, यद्यपि सद्ब्रह्म प्राण शब्द वाच्यम तत्र, ये तत्र पद आया हुआ है उस तत्र इति प्राण बंधन वाक्यम परमेश्वर, से किस लिंग को क्या लेंगे, वो जो प्राण बंधन वाक्य है ना, प्राण बंधन विषय मन उस वाक्य को लेना, उस वाक्य में तत्र मन उस वाक्य में, और वहाँ पे जीव प्रसव बीजात्मक करता हूँ, जीव शब्द आया हुआ है, केवल जीव नहीं है पूरा सृष्टि है, जीव पूरा सृष्टि को उपलक्षण है वहाँ पे, इसलिए कहते हैं जीव शब्द सर्वस्व कार्य जातस्य उपलक्षणम, जीव संपूर्ण कार्य प्रपंच का उपलक्षण है। यहाँ तक काल हम लोगों ने पढ़ लिए थे, आज का पाठ देखिए टीकाकार बोल रहे हैं, प्रकरण वाक्यो उभयोर अपि परिशुद्ध ब्रह्म विषयते का क्षति, पूर्वादी बोल रहे हैं प्रकरण प्रमाण के बल पे और वाक्याभ्यंते श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानम समवाय पार दौर्बल्य अर्थ विप्रकाशा, ब्रह्म सूत्र का निर्णय पूरे इसी सूत्र का आधार पर हुआ। हम बोलते हैं यहाँ पे इसको इसको प्रतिपादन करना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं नहीं नहीं यहाँ पे जो कार्य ब्रह्म का प्रतिपादन करना चाहते हैं, तब वहाँ पर हमको देखना पड़ता है आप श्रुति वाक्य के आधार पर बोल रहे हैं कि लिंग प्रमाण के आधार पर बोल रहे हैं अथवा प्रकरण प्रमाण के आधार पर बोल रहे हैं। यदि श्रुति प्रमाण के आधार पर बोलते हैं श्रुति प्रमाण सबसे बलवान होता है, यहाँ पे प्रकरण है सद्ब्रह्म का प्रकरण है, ठीक है ना? इसलिए बताएं प्रकरण और वाक्य जो वाक्य आया हुआ है कि प्राण बंधन में उभयोर अपि दोनों मिलकर के परिशुद्ध ब्रह्म विषय, यदि वो शुद्ध ब्रह्म का बोध कराता उसमें क्या नुकसान है, वही को तो तुम उससे तो मुक्ति मानते हो तुम,
है ना, तो उसमें क्या नुकसान है? यदि बोलते हैं प्रकरण वाक्य योह, देखिए द्विवचन प्रयोग किया, यानी कि प्रकरण प्रमाण और वाक्य प्रमाण के बल पे उभयोरपि, मतलब दोनों मिलकर के परिशुद्ध ब्रह्म विषयत्व, दोनों ही परिशुद्ध ब्रह्म का विषय करता है, बोधक होता है, तो क्या नुकसान है? ऐसा शंका होने पर कहते हैं आशंक्य, वहाँ पे कॉमा कर कर रहे प्रश्न, परिशुद्धस्य ब्रह्मन शब्द प्रवृत्ति निमित्त अगोचरत्वा, यही है शुद्ध ब्रह्म के लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं होता, शुद्ध ब्रह्म के लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं होती, ध्यान रखना ये चीज का, पता हमेशा ध्यान, जहाँ कहें सृष्टि का प्रकरण शब्द प्रयोग किया हुआ है माया उपहित चेतन को ही बोल रहे हैं, उसके द्वारा लक्षित होता है निर्विशेष, शब्द प्रयोग में माया उपहित चेतन की बोला जा रहा है, इसीलिए बोलते हैं परिशुद्धस्य ब्रह्मण निर्गुण निराकार निर्विशेष व्यापक ब्रह्म का शब्द प्रवृत्ति निमित्त अगोचरता, शब्द प्रवृत्ति के निमित्त का विषय नहीं बनने के कारण, शब्द प्रवृत्ति के निमित्त होने के लिए जाति गुण क्रिया संबंध अथवा रूप, ये रूप गुण में आ जाता है, क्रिया तो किसी जाति का होगा, हिरण्यगर्भ अथवा देवता से लेकर के चींटी तक कोई जाति का होगा, आत्मा जाति से नहीं थे, अकेला है, गुण नहीं है, निर्गुण आत्मा, उसको निर्गुणम निष्क्रियम नित्यम, निर्गुणम निर्गुणम निष्क्रियम नित्यम निरबद्धम निरंजनम, ऐसा आया हुआ श्रुति में कई बार लोग उपनिषद में, गुण नहीं थे आत्मा से हम शब्द प्रयोग नहीं होता, जाति गुण क्रिया, वो यदि कोई काम करता, वो यदि मतलब डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर अथवा कारपेंटर कुछ होता तब उसको उस नाम से बोलते, तो अब वो भी नहीं है वो, और कोई ऑक्यूपेशन नहीं है उनका, पाचक गायक नायक कुछ भी नहीं है वो, खाना भी नहीं बनाता, गाना भी नहीं गाता, ना हीरो भी नहीं हो बनता, पाचक गायक नायक कुछ भी नहीं है वो, ये इसीलिए शब्द प्रयोग नहीं होता। और संबंध, संबंध दो में होता है, अकेला किसके साथ संबंध करेगा, ये मतलब इसी का चाचा, इसका भाता, इसका गुरु, इसका चेला, इसका बाप, इसका माता, ये सब संबंध होता है, अकेला है किसके साथ संबंध, इसीलिए हमको शब्द प्रयोग नहीं होता, इसलिए आप बोलते हैं शब्द प्रवृत्ति निमित्त अगोचरत्वात्। दो नंबर टिप्पणी में देखिए, शब्द प्रवृत्ति निमित्त इति जाति गुण क्रिया संबंधानां शब्द प्रवृत्ति निमित्तत्वम् इति, मैं बोल दिया इसको, टिप्पणी का व्याख्या करने का आवश्यकता नहीं है, मैंने इसको देख करके मैं बताया था, ये जो है शब्द प्रवृत्ति के निमित्त ये होता है, शब्द प्रवृत्ति निमित्त जाति गुण क्रिया संबंधानां शब्द प्रवृत्ति निमित्तत्वम् इति, इसीलिए शब्द प्रवृत्ति के ये निमित्त आत्मा में है नहीं, तत्र शब्द वाच्यत्व अनुपपत्ते, मैं इसलिए वो शब्द के द्वारा अभिव्यक्त होने का विषय नहीं होने के कारण यहाँ पे शुद्ध ब्रह्म को प्राणबंधनम शब्द के द्वारा था सब शब्दों के द्वारा कहा गया, ये आप नहीं कह सकते हैं, ये शुद्ध ब्रह्म को बोध करना है वहाँ, उस समय जहाँ तो अभिप्राय होता है मुख्य रूप से, वहाँ पे निषेध रूप में वाक्य प्रयोग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रकरण वाक्योर उभय परिशुद्ध ब्रह्म विषय का क्षतिरिति आशंक शंका करके परिशुद्धस्य ब्रह्मन शब्द प्रवृत्ति निमित्त अगोचरत्वा तत्र शब्द वाच्यत्व अनुपपत्ते, वहाँ पे मतलब परिशुद्ध ब्रह्म में, तत्र मतलब परिशुद्ध ब्रह्म में शब्द संबंधित जो वाच्यत्व धर्म है तो उसका कोई वाचक नहीं है, वो वाच्यत्व धर्म नहीं बैठ सकते, युक्ति ही होने के कारण मई बम यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, कौमा का धर्म उपत्ति के बाद कौमा करके मई बम ये नहीं हो सकता, यदि ही आप भाष्य में आ जाइए फिर थर्ड लाइन में, है ना, यदि ही निर्बीजम रूपम विवक्षितम ब्रह्म अभविष्यत, तब क्या बोलते, नेति नेति ततो वाचो निवर्तन्ते अन्न देव तद विदितात् अथ विदितात् अधि इति अवक्षत। ये देखिए, ये जो आपके पास आता है ना लिंग लगा, लिंग लिंग लगा मतलब कंडीशनल अर्थ में, कंडीशनल मूव है लिंग लगा में, अभविष्यत यदि ये अभी मतलब कहा होता तब हम ऐसा, मतलब दोनों ही नहीं हुआ, ना श्रुति ने ऐसा कहा और ना मतलब निर्गुण के लिए कुछ शब्द प्रयोग हो सकता है, इसीलिए आप बोलते हैं ये लिंग लकार प्रयोग किया गया, और भविष्य यदि ऐसा प्रयोग किया गया होता, यदि ही निर्बीजम रूपम विवक्षितम ब्रह्म अभविष्य, मतलब निर्गुण ब्रह्म निर्बीज ब्रह्म को वहाँ पे, निर्गुण नहीं निर्बीज ब्रह्म को वहाँ पे कहना अभिप्राय हुई होती, तो निर्बीज ब्रह्म पे कहना अभिप्राय नहीं है तो सृष्टि नहीं बोल पाएंगे आगे, इसलिए सृष्टि के बीच जहाँ पे बैठा हुआ है उस ब्रह्म को कहना चाहते हैं, श्रवण ब्रह्म को कहना चाहते हैं आप, इसलिए बोलते हैं कि निर्बीजम रूपम विवक्षितम ब्रह्म अभविष्य, यदि ऐसा होता तब कैसे शब्द प्रयोग करते, नेति नेति वेदांतक उपनिषद अथा तो आदेश नेति, तीन बार आया है, चार दो चार आठ तीन नौ छब्बीस चार दो बाईस, हाँ तीन
अथा तो आदर्श रहती रहती चार दो चार फिर जो है आपका 3, 9, 26 अब गृह नए गृहते अशीर्य नए शीर्यते फिर जो है उसी का 4, 4, 22 ये अभ्यास लिंग देखिए मतलब निर्गु निरागम समझ के फिर हमारे जत तैतीय उपनिषद जतो वाच्यो निवर्तन के अप्राप्य मनसा मनोमय उसमें है फिर अन्न देवता विदिता अथवा विदिता ये केन उपनिषद है वो जाने हुए से भी भिन्न है नहीं जाने हुए से भी ऊपर है यदि अवक्षत इस प्रकार से कहा गया कहा होता ये अवक्षत भी कंडीशनल मूड में है और केवल श्रुति में नहीं स्मृति में भगवान श्री कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं ज्ञेयम् जत् तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते प्रतिज्ञा करते हैं कि इसको जानने के अभी बोलते क्या तत्सत् तन्न सदुच्यते इसको न सद बोला जाता न सद बोला जाता कार्यकरण भाव तो कहा नहीं जाता प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं ब्रह्म के बारे में कहूँगा और कहा क्या कि वो कार्य रूप भी नहीं है कारण रूप भी नहीं उसको शब्द से प्रयोग यही कहा आप क्या प्रतिज्ञा करते हैं मैं तुमको ब्रह्म के बारे में कहूंगा प्रतिज्ञा क्या बोलते हैं बोलते उसको शब्द से कहा नहीं जाता कितना व्याघात दोष है ऐसे उपाय नहीं है न सत न सदुज्जते इति स्मृति इस प्रकार स्मृति होने के कारण ठीक है ना तो वहां पे देखिए टीका का क्या बोल रहे हैं न केवलम निरुपाधिकम निर्विशेषम ब्रह्म वांग मनुष्योर अगोचरम इति श्रुतेर एव निर्धार्यते किंतु स्मृतेरपि इति ठीक है ना कि निर्गुण निराकार निरुपाधिक निर्विशेष ब्रह्म वाणी और मन के अगोचर है ये केवल श्रुति के द्वारा निर्धारित नहीं किया स्मृति में भी ऐसा ही कहा गया है ना इसलिए हम बोलते हैं नौ को अलग कर दिए केवल निरुपाधिकम निर्विशेषम ब्रह्म केवल निरुपाधिक निर्विशेष ब्रह्म वांग मनुष्योर अगोचरम वाणी मन के अतीत है विषय नहीं बनता इति इस प्रकार से श्रुति एव निर्धारित है ना केवल केवल मात्र श्रुति निर्धारण नहीं करते किंतु स्मृति अपि स्मृति भी निर्धारण किया है ऐसा उसको बोलते हैं न सत्तम न सदुच्यते इति स्मृते है किंच कार्य जातम प्रति टीका में कार्य जातम प्रति बीज भूत अज्ञान रहिततया शुद्ध तेन एव अस्मिन् प्रकरणे ब्रह्म विवक्षितं चेत् तर्हि सदा सौम्य तदा संपन्न भवति इति जीवानां पुनरुत्थानं न उपपद्यते दृश्यते च पुनरुत्थानं क्या हुआ यदि कोई बीज रूप में होकर नहीं रहता यदि बीज रूप में नहीं रहता आपने जब ब्रह्म के साथ एक होकर के सोया जब वहाँ पे जब कोई एक पानी एक बाल्टी पानी जब समुद्र में मिल जाते हैं फिर वो दोबारा उठ करके अलग पानी आपको नहीं दिखाई पड़ता तो चित सागर में जा करके वो जीव जब सोया अब जब फिर दोबारा उठ करके क्या बोलते हैं वो सदा सम्मतदा संपन्न भवती वो सत के साथ एक होकर के सोया मतलब चित सागर में डूब गया परंतु फिर क्या था उठ जाते हैं समुद्र में एक बाल्टी पानी डाल देने से आपको दोबारा नहीं निकलता यानी कि दोनों के बीच में बाल्टी और पानी समुद्र के पानी बाल्टी के पानी के बीच में कोई एक चीज है या तो बाल्टी स्वयं वहां पे विद्यमान है अथवा कोई एक पॉली पैक जैसा है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है समुद्र के अंदर डाल दिया आपने हाँ पानी की टेम्परेचर तो एक हो जाएगा परंतु तो जो पानी आपने समुद्र में डाला था वही रहेगा वही निकल के आता है सिंह होबा ब्रिकोबा बरा होबा दंश होबा मशकोबा कीटोबा पतंग जब भगवती तदा भगवती जो जिस प्रकार से सोता है वो फिर उसी रूप में आ जाता है ये संभव नहीं होता यदि वहाँ पे बीजात्मक कोई वस्तु नहीं रहता जब तक वो बीज दग्ध नहीं होता तब तक वो फिर दोबारा उसी रूप में आ जाता है इसलिए बोलते हैं किंच और भी देख लीजिए मोरोवर कार्य जातम ये कार्य समूह जो भी दिखाई पड़ता है हिरण्यगर्भ से लेकर के चींटी तक प्रति बीज कार्य जातम प्रति बीज भूत अज्ञान रहिततया किंच यदि ये कार्य समूहों के प्रति जो बीज रूप जो अज्ञान है उसके रहित होकर के शुद्ध तेनैव उस शुद्ध रूप में ही इस प्रकरण में ब्रह्म विवक्षितं चेत् यदि यहाँ पे ब्रह्म को बोलना अभिप्राय होता तरी सदा सौम्य तदा संपन्न भवति ये जो है ये प्रियदर्शन वो उस समय सत के साथ एक होकर के साथ इति जीवानाम जब वो सत के साथ एक होकर के सोया और वहाँ पे सृष्टि का बीज नहीं है कहाँ सुषुप्ति अवस्था में बीज वहाँ पे नहीं है तब क्या होगा जीवानाम पुनरुत्थानम न उपपद्यते
दोबारा उठेगा ही नहीं हो, अलग करके वैसे कहीं पर लाए होगा तो सही, परंतु दृश्यते च पुनरुत्थानम, परंतु फिर उठकर के अपना पहला जैसा व्यवहार करता है, यानी कि ब्रह्म के साथ एक होते हुए भी जागृत अवस्था में भी यही है। ये नहीं सुषुप्ति अवस्था में समझना आसान पड़ता है, जागृत अवस्था में भी हम ब्रह्म से कभी अलग हुए ही नहीं, वही भाव में है, परंतु क्या है कि यहाँ पे अभिमान है परिच्छिन्नता का, इसलिए व्यापकता नहीं समझ पाते। सुषुप्ति अवस्था में परिपरि अभिमान तो नहीं रहता, परंतु समझने के लिए करण बंद हो रखा, इसलिए जागृत अवस्था में अभिमान को छोड़ पाएंगे तो अनुभव ना जाए, इसी को लेकर के प्रकरण शुरू हुआ। इसलिए आगे बोलते हैं किंच कार्य जातम प्रति बीज भूत अज्ञान रहितया, कार्य समूह के प्रति बीज रूप जो अज्ञान है उसके रहित होकर के शुद्धत्वेन अस्मिन् प्रकरणे ब्रह्म विवक्षितम, शुद्ध ब्रह्म के लिए यहाँ पे बोलना अभिप्राय होता तरी तब तो सदा सम्यकता संपन्न भवती थी, वो जीव उस समय सत के साथ एक होकर के स्वतः, इस प्रकार जो कथन किया गया है इस प्रकार जीवाना पुनरुत्थान न उपद्यते, यदि वहाँ पे कोई एक पॉलीपैक जैसा कोई एक वस्तु नहीं रहता, मतलब अज्ञानात्मक बीज पूरा पुनरुत्थान के लिए यदि वो नहीं रहता तब क्या होता, और फिर दोबारा उठ करके व्यवहार नहीं कर पाता, परंतु दिखाई क्या पड़ता है वो उठता भी है पहला जैसा व्यवहार भी करता है, यानी कि कोई एक बीज अवस्था के लिए जो माना है जो अभी तक नहीं चला, इसलिए अब मूल अज्ञान को लेकर के प्रतिपादन करेंगे यहाँ पे आगे भवदीति जीवानां पुनरुत्थान न उपपद्यते दृश्यते च पुनरुत्थानम, परंतु दोबारा उठ करके पहला जैसा व्यवहार करते दिखाई देते, यानी कि वहाँ पे कोई बीज विद्यमान है। तेन सबलम एव ब्रह्म अत्र विवक्षितम, इसलिए यहाँ पे यहाँ सता सौम्य तदा संपन्न भवति यत प्राण बंधन सौम्य मान, यहाँ पे जो ब्रह्म का प्रतिपादन करना चाहता है वहाँ पे कोई एक बीज को लेकर के बोला जा रहा है, सबलम एव ब्रह्म अत्र विवक्षितम। अब भाष्य में आ जाइए, निर्बीजतया एव चे सति लीनानां संपन्नानां सुषुप्त प्रलययोः पुनरुत्थान अनुपपत्ति स्यात्। यदि वहाँ पे निर्बीज रूप में कहना वहाँ पे अभिप्राय हुआ होता, जीव को और ब्रह्म को दोनों को निर्बीज रूप में वहाँ पे कहना अभिप्राय हुआ होता, तब सति लीनानां संपन्नानां जो लोग उस ब्रह्म भाव संपन्न सदा सर्व तदा संपन्न भवति, ठीक है ना, इसको लेकर के संपन्न है, उसके साथ सम्यक रूपेण प्रपन्न एक हो गया है ना, तो यहाँ पे सब लीला नाम गद्दा ब्रह्म भाव में लय कर गया, व्यापकता की भाव में लय हो गया, एक हो गया, तो किस 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 अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, प्रलय अवस्था में, सुषुप्ति प्रलय हो, प्रलय महाप्रलय में भी यदि आपका अज्ञान नाश नहीं हो तो दोबारा जन्म लेते हैं, तभी तो सृष्टि चक्र चल रहा है। महाप्रलय के में भी जिस जीव का जिस प्रकार से अज्ञान मात्रा विद्यमान था दोनों को, उसको फिर दोनों शरीर प्राप्त होता है, सुषुप्ति में भी ऐसे उठ करके हम उसी शरीर को प्राप्त करते हैं, इतना ही भिन्नता है सुषुप्ति में और महाप्रलय में, इतना ही भिन्नता है, सुषुप्ति से उठ करके हम उसी शरीर को प्राप्त करते हैं और महाप्रलय के बाद क्या होता है अपना कर्म अनुसार दूसरा शरीर को प्राप्त करते हैं, इतना ही भिन्नता, परंतु दोबारा पुनरुत्थान तो दोनों जगह पर बराबर है। इसलिए आप बोल रहे हैं कि निर्बीजतया एव चेत सति लीनानां संपन्नानां, जो लीन रूप में मतलब ब्रह्म के साथ एक होकर के विद्यमान है वहाँ पे, कौन अवस्था में सुषुप्ति प्रलय यो सुषुप्ति प्रलय दोनों अवस्था में पुनरुत्थान अनुपत्ति से दोबारा उसको उठ करके व्यवहार करना युक्ति संगत नहीं होता, परंतु कोई एक चीज बीच में रह गया जिसके कारण से भगवान के साथ एक होते हुए भी दोबारा उठ करके व्यवहार करता है, ये होता है। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो मुक्त पुरुष का भी दोबारा आना पड़ेगा, मुक्त पुरुष का क्या होता है बीज दग्ध हो जाता है, अज्ञान बीज दग्ध से उसका उत्पन्न नहीं होता, और यदि इस प्रकार एक बीज की अज्ञानात्मक बीज को तुम नहीं मानोगे तब क्या हो जाएगा, मुक्त पुरुष को भी दोबारा उत्पन्न होना पड़ेगा, तो तब मिलने के बाद भी सब एक साथ उत्पन्न हो जाएगा, क्या नुकसान है, नुकसान ही होगा, तब क्या हो जाएगा मुक्त पुरुष को दोबारा उत्पत्ति होगी, पुनरुपी जननम इसी चक्र में लगा रहेगा, जन्म मृत्यु के बंधन से कभी छूट ही नहीं पाएगा, भगवती से मृत्यु होना संभव ही नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे आगे देखिए टीका में क्या बोलते हैं, सुषुप्तादौ शुद्धे ब्रह्मणे संपन्नानां अपि पुनरुत्थाने मोक्ष अनुपपत्ति दोषम आह, सुषुप्ति अवस्था में और आद्य मूर्छा अवस्था में अथवा प्रलय काल में शुद्ध ब्रह्म में संपन्न होने पर भी संपन्नानामपि पुनरुत्थान है, यदि वो पुनरुत्थान होता है उसका है ना, तो मोक्ष अनुभवता पर मुक्त तो ही नहीं हो पाएंगे आप, क्योंकि फिर क्योंकि आप बीच तो आपने माना नहीं, अज्ञान को नहीं मानते हैं,
तो क्या हो जाएगा, तुरी कोलपी बाधिया सुषुप्त की मुक्ति मानते हैं। जब बीज दग्ध तो नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं कह सकते हैं, बीज नाश होने पर ही तभी होता। वो ये कहते हैं प्रलय काल में भी और क्या होगा, ब्रह्मलोक में जाकर के तो ईश्वर के लोक वैकुंठ लोक में जाकर के वहाँ पे जो रहेंगे उनके साथ आनंद करेंगे, फिर भगवान जब नया सृष्टि करेंगे फिर भगवान के साथ लीला करने आएंगे। वो ऐसा पूर्ण मुक्ति नहीं मांगते, ऐसा बात भी है। इसलिए वो दश सुषुप्तादो शुद्ध ब्रह्मण्य संपन्नानम अपि सुषुप्ति आदि में शुद्ध ब्रह्म के साथ एक होकर के विद्यमान होने पर भी पुनरुत्थान, यदि पुनरुत्थान होता तब मुक्ति का भी नहीं हो पाएगा, मोक्ष अनुपपत्ति दोषो न। कुछ नहीं है अंतर, इतना ही है, एक अविद्या की आवरण है, एक अविद्या की एक आवरण है। और दूसरी बात क्या है, देखिए जहाँ पे आप अविद्या बोल रहे हैं जिस प्रकार ये टेबिल और ये आवरण, टेबिल और ये आवरण तो अलग वस्तु दिखाई पड़ता है, इस प्रकार ब्रह्म आपको ये टेबिल और आवरण जैसा नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आपको अज्ञान दिखाई पड़ रहा है उसके अंदर भी ब्रह्म का ही प्रकाश है, नहीं तो अज्ञान भी नहीं समझ में आता। ब्रह्म ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे व्यापक व्यापक तत्व तो नहीं है, जिस पॉलीपैक के द्वारा, मतलब देखिए जिस पॉलीपैक के द्वारा एक कटोरी पानी को आपने घेर लिया और उसको जिस पानी में डाला उस पॉलीथीन के अंदर भी पानी ही है, परंतु वो दोनों को एक नहीं होने देता। वो पॉलीथीन भी जो है उसी से, मतलब हमारा कहने का अभिप्राय है वो शुद्ध चेतन तत्व ही उस अज्ञान को भी प्रकाश करता है, वो अज्ञान को भी प्रकाश करते क्या करता है, वो शुद्ध चेतन शिक्षक मिलने नहीं देता। मतलब क्या हो गया, वो वहाँ पे विद्यमान है परंतु हम समझ नहीं पाते, यही उनकी मुसीबत है। क्यों मुसीबत समझ नहीं पाते, क्योंकि बहिर्मुख होता है, यदि हम अंतर्मुख होकर के देखेंगे तब वो चप्पली पैक पड़ जाता है। दृष्टांत दृष्टांत में तो हमेशा भिन्नता होगा, और यहाँ पे मतलब दृष्टांत दृष्टांत में मैं क्या बोल रहा हूँ, अज्ञान अज्ञानोपहित जीव और ब्रह्म, अज्ञानोपहित जीव ब्रह्म में जाकर के सोता है, ये अज्ञान रूपी उपाधि जो है जो आपको सब उठ करके क्या बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, अपना अज्ञान को अपने अभिव्यक्त तो करते हैं, ये जो अज्ञान जो है इसकी अभिव्यक्ति कैसे हो रहे हैं, उसी सच्चिदानंद अधिष्ठान में ही अज्ञान का अभिव्यक्ति होता है, ज्ञान ही अज्ञान का आश्रय है, अज्ञान अज्ञान का आश्रय नहीं हो सकता। फिर भी हम उसको समझ नहीं पा रहे, मतलब जागृत काल में, क्योंकि उस समय हमारा समझने का कारण को हमने बंद कर रखा, इसीलिए तो शुरू में भगवान भाष्यकर प्रतिज्ञा करता है जागृत काल में बैठ करके सुषुप्ति की ओर आगे बढ़ते रहो, उसे आगे बढ़ते रहो, तब क्या हो जाएगा, वो अज्ञान को जिससे अज्ञान अभिव्यक्त हो रहा है उसका अभिव्यक्ति हो जाएगी, उसका अभिव्यक्ति हो जाएगी। किस अभिप्राय से बोलते हैं यहाँ पे कि सुषुप्तादो शब्दे ब्रह्म ने संपन्नानम अपि पुनरुत्थाने मोक्ष अनुपपत्ति दोषम, तो मुक्तानाम से पुनरुत्पत्ति प्रश्न, यदि ऐसा है कोई बीज नहीं मानोगे तो मुक्त पुरुष में भी दोबारा उत्पन्न होगा, ब्रह्म के साथ एक होकर के सोया सामान्य जीव भी दोबारा आया, मुक्त पुरुष भी दोबारा आएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अच्छा मुक्त पुनरुत्पत्ति प्रश्न आगे और बोलते हैं, न तेषां पुनरुत्थानम हेतु अभावात् इति आशंक सुषुप्तानां प्रलीनानां च न तरी पुनरुत्थान हेतु अभावस्य तुल्यता। यदि बीज नहीं मानोगे है ना तो क्या हो जाएगा, जैसा मुक्त पुरुष ऐसा सामान्य जीव, ठीक है ना। और फिर क्या बोलता है, न तेषां पुनरुत्थानम हेतु, उसका मुक्त पुरुष का पुनरुत्थान नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हेतु अभावात् न तेषां मुक्तानां पुनरुत्थानम कस्मात् हेतु अभावात् इति आशंक, यदि ऐसा ही तुम कहे तो तब क्या होगा, सुषुप्तानां प्रलीनानां च, यदि वहाँ पे ऐसा बीज की अभाव लेकर के चलोगे जो सुषुप्ति अवस्था में जो ब्रह्म में लय प्राप्त किया हुआ है, न चतरी पुनरुत्थानम, तब उसका पुनरुत्थान नहीं, तो हेतु अभाव से तुल्यता, हेतु हेतु अभाव मतलब मुक्त पुरुष में भी अज्ञान का अभाव है, ठीक है ना, मुक्त पुरुष में अज्ञान का अभाव है और सुषुप्ति में गया हुआ पुरुष का भी अज्ञान का अभाव है, यदि ऐसा मानोगे तब क्या हो जाएगा कि बीज अभाव दोनों में बराबर है, तब या तो दोनों को उठना चाहिए अथवा दोनों को नहीं उठना चाहिए, परंतु एक को उठते हुए दिखाई दिया है और दूसरे को उठते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। इसी छांदोग्य उपनिषद में आपका हमको लगता है छठ अध्याय की 15वें खंड में, तो मृत्यु तो सबका एक ही प्रकार दिखाई पड़ता है,
मृत्यु शब्द एक ही प्रकार दिखाई पड़ता है चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, परंतु एक आता है एक नहीं आता है, क्यों? ये प्रश्न 15 नंबर में दिखाने के बाद फिर 16वां खंड में आकर के एक सत्य अभिसंध है एक अमृत अभिसंध है, एक सत्य अभिसंध है एक अमृत अभिसंध। दृष्टांत ये दिया, एक व्यक्ति ने चोरी का आरोप में पकड़ा के लाया गया था, बोलता चोरी मैंने ही किया, एक बोलता राजा पुरुष बोलते चोरी किया, तो बोलता ठीक है उसको गर्म लोहा तपा के लाओ, वो पकड़ा उसको, यदि उसका हाथ नहीं जलता तब उसका जो सत्य के द्वारा आपने को आवृत किया, यदि उसका हाथ जलता है उसको झूठ के द्वारा आपने को आवृत किया। अब तो क्या होता है, वो यदि झूठ के द्वारा आपने को आवृत करते हैं हाथ भी जलता है, राजपुरुष उसको दंड भी देता है, मतलब दुख भी भोगता है, भगवान पुनर्जन्म में बार बार भेजते हैं। जो सत्य के सत्य विषंध होकर के अपने को उसको पकड़ता है तब क्या होता है, उसका हाथ भी नहीं जलता है और राजपुरुष उसको मुक्त भी कर देते हैं। ये दिया सांडव को अंतिम खंड में 16वां खंड में छठा अध्याय में। तो यहाँ पे यही है कि यदि दोनों में समान मानोगे मुक्त पुरुष और सामान्य जीव, तब कहा जाएगा या तो दोनों ही उठेगा अथवा दोनों ही नहीं उठेगा, परंतु दोनों में भिन्नता दिखाई पड़ता है, एक की पुनरुत्थान होती है दूसरे की पुनरुत्थान नहीं होती है, यानी कि कोई एक डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो क्या है अगला पढ़ में उसको प्रकाशित करेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे भाष्य में इसके बोलते हैं निर्बीजतया चेत क्षति दीनानाम संपन्नानाम शुद्ध प्रलयोर पुनरुत्थान अनुपत्ति से। अब यदि ऐसा नहीं मानोगे नहीं तो क्या जाएगा, मुक्तों पुरुष का भी फिर दोबारा उत्पत्ति का प्रसंग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बीज अभाव अविशेषा, बीज की अभाव दोनों जगह में समान है, चाहे बीज की अभाव जैसा मुक्त पुरुष में है ऐसा बद्ध पुरुष में मानना पड़ेगा आपको। यहाँ तक हो गया इस पन्ने में, कोई टिप्पणी? अच्छा वहाँ पे 3 नंबर टिप्पणी कहाँ है सुशक्ति आदि? आपके पुस्तक में 3 नंबर टिप्पणी दिखाएंगे इसी पन्ने में 735 में सुषुप्त आदो, तो 3 नंबर वहाँ पे होना चाहिए है, नंबर है आपके पास? नहीं, वहाँ पे एक नंबर लगा दीजिए नीचे से, तीसरा पंक्ति नीचे से पंक्ति राइट हैंड कॉर्नर में है ना, तो सुषुप्त आदो ये आदि ना मूर्छादिकम, मूर्छादि को ग्रहण करना पड़ेगा। हम इस प्रकार केवल आदि से मूर्छा, यहाँ पे आदि से क्या लेंगे, आदि ना मूर्छादिकम, ये आदि पर एक ऐसा दिया मिला हुआ है ना, ना सुषुप्त आदो आदि सब, मतलब वहाँ पे क्या बोला सुषुप्ति में, हाँ सुषुप्ति आदि मतलब आदि से कह लेना मूर्छा, मतलब जिस समय आपका होश आवास नहीं रहता है, जागृत स्वप्न में तो नहीं है उसको आदि से वो नहीं ले सकते हैं। तो क्या मान लीजिए समाधि अवस्था में है परंतु अज्ञान नाश नहीं हुआ, सभी कल्प समाधि वो भी आप ले सकते हैं, वहाँ पे मूर्छा आदि आदि से वहाँ पे क्या लेंगे, हाँ तो आदि में तो बोला कि मूर्छा को ग्रहण करना है, अब यहाँ पे एक आदि पद लगा दिया मूर्छा आदि, वहाँ भी एक आदि पद लगा दिया तो उसके संबंधित जिस समय मान लीजिए तो आपको एनास्थेटिक दे करके बेहोश कर दिया गया, आपको कुछ बोध नहीं है, अनंत अनुभवकार है, कुछ बोध नहीं हो रहा है, परंतु फिर आप पुनरुत्थान होता है वहाँ पे, पुनरुत्थान होता है वहाँ से, इस अभिप्राय से यहाँ पे बोला जाए आदि से। अब ये जो आप यहाँ पे क्या प्रश्न आया, कोई एक बीज है अज्ञानात्मक, कोई एक बीज है, ये कैसे पता लगेगा आपको, कैसे निश्चय करेंगे उसको लेकर के देखिए बोलते हैं, ननु अनादि अनिर्वच्यम अज्ञानम संसारिस्य बीजभूतम नास्ति एव। पूर्वादि बोल रहे हैं कि अज्ञान कहाँ पे रहेगा, पूर्ण प्रकाश सूर्य में कभी अंधेरा रह सकता है, रह नहीं सकता, इसलिए अज्ञान कहाँ से रहेगा, इसलिए अज्ञान है ही नहीं, ऐसा मानने वाले वादी बोलते हैं। ननु अनादि अनिर्वच्यम अज्ञानम संसारस्य बीजभूतम, अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान जो संसार का बीज रूप है, ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं, नास्ति एव। पूर्वादि बोल रहे हैं जब ब्रह्मण विशेषण भवति, जो कि ब्रह्म सभी ब्रह्म जो आप बोलते हैं ना, तो जो ब्रह्म का विशेषण बन सकता है ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं, विद्यमान वस्तु की तो आपको विशेषण हो सकता है, अविद्यमान वस्तु कैसे विशेषण करेंगे, कोई किसी को आप नहीं कह सकते ये बंधा पुत्र की माँ है, ऐसा बोला नहीं जा सकता है क्योंकि अविद्यमान वस्तु है। इसी प्रकार अज्ञान भी यदि ऐसे ही है, अज्ञान है ही नहीं,
मतलब ननु अनादि अनिर्वचम अज्ञानम संसारस्य बीजभूतम नास्ति एव। जब ब्रह्म न विशेषण भवति, जब ब्रह्म का विशेषण हो सकता है। अब इसके उत्तर में बोलते हैं अग्रहण मिथ्या ज्ञान तत्संस्काराणाम अज्ञान शब्द वाच्यत्वात् तत्र आह। देखो ये जो मैंने इसको नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं समझा, इस विषय में नहीं समझा, ये अग्रहण। और फिर उसके जगह अन्यथा ग्रहण, मतलब नहीं जानने का, नहीं जाना तो अलग था परंतु उल्टा जान लिया, ये भी दिखाई पड़ता है, उसका संस्कार भी दिखाई पड़ता है। मैंने अपने को ब्रह्म रूप में नहीं जाना, क्या माना मैं मनुष्य हूँ, अरे मनुष्य का संस्कार लेकर के जन्मांतर से व्यवहार करता जा रहा हूँ, वो दिखाई पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं अग्रहण मिथ्या ज्ञान, ये अग्रहण और मिथ्या ज्ञान। अग्रहण मतलब हो गया आपका अज्ञान, और मिथ्या ज्ञान हो गया आपका उल्टा ज्ञान हो गया, गलत ज्ञान। तत् संस्कार नाम, और उसका संस्कार का संस्कार नाम अज्ञान शब्द वाच्य, उसी को हम अज्ञान शब्द के द्वारा बोलते हैं। सभी जगह दिखाई पड़ता है, वो बोलता है नहीं, व्यवहार में देख लो सभी जगह दिखाई पड़ता है, इसलिए नहीं है ये नहीं बोल सकते हो। इसलिए अज्ञान शब्द वाच्यत्व तत्र आह। इसके उत्तर में भगवान इस प्रश्न के उत्तर में भगवान चाहिए ज्ञान दाह्य बीज अभावे च ज्ञान अनर्थक प्रसंग। सारा जगह पे क्या बोलता है, हृदय ज्ञानात् न मुक्ति है ना, ज्ञानात् सर्वकर्मणं भस्मस्यात् कुरुते तथा। जो इसी प्रकार ज्ञान रूपी आँख के द्वारा यदि जलने वाला कोई एक अज्ञान वस्तु नहीं होता, तब ये ज्ञान का कोई प्रश्न नहीं, शास्त्र बोलता ही नहीं था कि ज्ञान प्राप्त करो आत्मज्ञान के बिना, आत्मा वाले द्रष्टव्य सोच, ऐसा नहीं बोलते शास्त्र। इससे अभिप्राय क्या है, यानी कि आत्म उस ज्ञान से नाश होने वाला किसी संबंधित अज्ञान है। मान कोई बोलता अज्ञान नहीं है, और वो अज्ञान आत्मा के आश्रय में ही रहता है, अज्ञान अज्ञान के आश्रय में नहीं रह सकता, ठीक है ना। हाँ, वो आत्मा के आश्रय में रहता, फिर ज्ञान होने के बाद पता लगता है ये आश्रय विषय भाव यहाँ पे है। जब तक अज्ञान है तब तक उसकी मान्यता हम देते हैं, और अज्ञान ध्यान रखना वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार अज्ञान मतलब अभावात्मक कोई वस्तु नहीं है, कोई भावात्मक वस्तु है, क्योंकि भावात्मक वस्तु का ही कार्य दिखाई पड़ता है, अभाव का कार्य नहीं दिखाई पड़ता है, ये कोई भावात्मक विरोधी कोई भावात्मक वस्तु है अज्ञान। तो भावात्मक वस्तु को नाश नहीं होगा, नाश है तो विद्या के भाव बोलते हैं कि ये कल्पित भाव है, कल्पना से भाव आया इसलिए इसका नाश होता है, इसी में आ जाएगा सब। तो यहाँ पे बोलते हैं तो अग्रहण मिथ्या ज्ञान तत् संस्काराणाम अज्ञान शब्द वाच्यत्व तत्र आह। उसको उत्तर में कहते हैं ये शंका के उत्तर में कि ज्ञान दाह्य बीज अभावे च, यदि ज्ञान के द्वारा जलने योग्य, मतलब जलने योग्य नाश होने योग्य जो बीज है अज्ञान, यदि वो अभाव होता तब ज्ञान अनर्थक प्रसंग, ज्ञान की कोई प्रसंग नहीं होता। शास्त्र बोलते हैं नाम न पंथ, ज्ञान के बिना कोई रास्ता नहीं है, रीते ज्ञान आत्मा मुक्ति ज्ञान देव कई बल जब माया के अस्तित्व पे आक्षेप है। हाँ, वो माया के अस्तित्व को पर आक्षेप कर रहा है, व्यष्टि को कर। हाँ, इसलिए हमें बोलते हैं कि नहीं, यदि वो नाश होने योग्य कोई वस्तु नहीं होता तो इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति के लिए भी नहीं बोला जाता आत्मज्ञान, यानी कि नाश होने योग्य कोई वस्तु है। अब देखिए बोलते हैं फिर यहाँ पे दो नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहे हैं अग्रहण मिथ्या ज्ञान का संस्कार है ना, ठीक है। अब देखिए अग्रहण मतलब ज्ञान प्राग अभाव, मतलब अज्ञान ज्ञान का प्राग अभाव, ठीक है ना। ज्ञान अग्रहण मतलब ज्ञान का प्राग अभाव, और मिथ्या ज्ञान मतलब भ्रांति, ठीक है, ये देख समझ। तत् संस्कार नाम मतलब भ्रांति, जो भ्रांति जन संस्कार में मनुष्य हो उसी हम व्यवहार करते रहते हैं। तीन शब्द प्रयोग किए ना, अग्रहण मिथ्या ज्ञान तत् संस्कार नाम, इन तीनों को अज्ञान शब्द के द्वारा ही बोला जाता है, तीनों को अज्ञान शब्द के द्वारा ही बोला जाता है। अग्रहण मतलब ज्ञान का प्राग अभाव, और मिथ्या ज्ञान मतलब उससे भ्रांति जो दिखते हैं, और तत् संस्कार मतलब भ्रांति का संस्कार, ठीक है ना, उसी फल व्यवहार होता है। इसलिए पता ज्ञान दाह्य बीज अभावे च ज्ञान अनर्थक प्रसंग। टीका में आ जाइए अज्ञ अहम इति अज्ञानम अपरोक्षम, ठीक है, मैं अज्ञानी हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, हमको अपने अपने अनुभव में आता है। अग्रहणस्य च ग्रहण प्राग अभावस्य, ये जो अग्रहण है जो ग्रहण का प्राग अभाव है, न अपरोक्षतम इंद्रिय सन्निकर्ष अभाव, ये कोई इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता है,
मेरा ज्ञान नहीं है, इसके सिंधियों से जाओगे, ये अपने अनुभव में है। मैं हाँ, इस वहाँ पे क्या है, ये घड़ा का रूप देख करके, कमंडल का रूप देख करके कमंडल मन, परंतु मेरा कमंडल संबंधित अज्ञान है, ये किसी इंद्रिय के तरह नहीं जाना जा सकता, अनुभव गम्य है, ये अनुभव गम्य है। इसीलिए लगता है कि आप कहते हो कि अज्ञान नहीं है, परंतु आपके व्यवहार में आप बोलते हो कि मैं ये नहीं जानता, मैं ये नहीं जानता, इसलिए बोलते हैं अज्ञा हम इति अज्ञानम अपरोक्षम अग्रहण सच। ये अज्ञान जब जो अग्रहण होता है, अग्रहण प्राग अभाव, मतलब जो ग्रहण का प्राग अभाव है, न अपरोक्षतम, वो इंद्रियों का अपरोक्षत नहीं है, क्यों, इंद्रियों सन्निकर्ष अभाव, इंद्रियों के साथ उसका सन्निकर्ष नहीं होने के कारण। तो यहाँ पे देखिए कि आत्मन असंगत्वात आह, कि आत्मा जो है ना, कि आत्मा के साथ है वो इंद्रियों के किसी के संबंध नहीं होता उसका, इंद्रिय असन्निकर्ष, इंद्रिय सन्निकर्ष अभाव। तो अनुभव कहाँ से आते, क्या प्रमाण है इसके लिए, ये अनुपलब्धि प्रमाण, वेदांत एक अनुपलब्धि को प्रमाण मानते हैं। क्या होता है इस प्रमाण में, मेरे को अपने आप समझ में आ रहा है कि मेरे को इस विषय संबंधित ज्ञान नहीं है। आप बताओ, आप जर्मन भाषा नहीं जानते हो, हम लोग यहाँ कोई, ये आपको कैसे समझ में आता है, इस समय बैठ करके आपको कैसे समझ में आता है, जर्मन भाषा के साथ इंद्रियों संस्कार हो रहा है आपका, फिर हम जानते होंगे, मैंने अपना अनुभव है, अनुपलब्धि के तरह ही जानते कि संबंधित आपको बोध मुझे नहीं है। अनुपलब्धि मतलब योग्य वस्तु का अनुपलब्धि वहाँ पे होता तो हमको उपलब्धि होता, हमारे अंदर नहीं है इसलिए उपलब्धि नहीं हो रहा है। इसी यहाँ पे बोलते हैं कि इंद्रिय सन्निकर्ष अभाव अनुपलब्धि गम्यता च भ्रांति संस्कार, और ये जो एक हो गया अन्यथा ज्ञान और अन्यथा ज्ञान संस्कार, इन दोनों का भी अभावितर कार्यत्व, तो अभाव का, और एक है भावात्मक कार्य है, अभावात्मक कार्य नहीं है, अभाव इतर कार्यत्व, अभाव से कोई कार्य नहीं होता, ठीक है ना, कोई भावात्मक वस्तु का कोई कार्य, जो हमारा भ्रांति ज्ञान होता है, हम अपने को मनुष्य मान लिया और मनुष्य मान करके तदनुकूल हम व्यवहार कर रहे हैं, तो ये तो हमारा अभाव से नहीं है, भावात्मक कोई वस्तु से होता है। हाँ, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि भ्रांति तथा संस्कार भाव अभाव इतर कार्यत्व उपादान अपेक्षणा, मतलब क्या है, भावात्मक कार्य कोई उपादान की अपेक्षा रखता है। इस पंक्ति को बहुत अच्छी तरह से पूरा वेदांत सिद्धांत को यहाँ पर समझा दिया, भावात्मक कोई भी कार्य कोई ना कोई उपादान की, भावात्मक को उपादान की अपेक्षा रखता है। उपादान क्या है, हाँ, कि उपादान ही अज्ञान है, इसीलिए ज्ञान अभाव, आत्मस्वरूप के ज्ञान की अभाव, ये ज्ञान विद्या विरोधी एक भाव वस्तु है वेदांतिक मान्यता है। अज्ञान क्या है, विद्या विरोधी, अज्ञान मतलब ज्ञान अभाव नहीं है, अज्ञान मतलब ज्ञान अभाव नहीं है, अज्ञान मतलब विद्या ज्ञान विरोधी एक भाव वस्तु है। मैं आपको बताऊंगा कि अकार का क्षय अर्थ होता है, आया था हमारे पास, अब क्या है, हम यहाँ पे बोलते हैं, पहले इसको इस पंक्ति को पूरा कर लेते हैं कि न अपरक्षितम इंद्र सन्निकर्ष अभाव अनुपलब्धि गम्यत्वाच भ्रांति तत् संस्काराण संस्कार भ्रांति है भ्रांति के संस्कार च अभाव इतर कार्यत्व, वो जो है अभाव का कार्य नहीं है, अभाव से भिन्न किसी वस्तु का कार्य है, ठीक है ना, और उपादान अभाव से भिन्न कोई कार्य होगा तो कोई ना कोई उपादान की अपेक्षा रखेगा, वो इसे वो तो उपादान अपेक्षणा आत्मा, आप आत्मा मैं हूँ, मैं उसको उपादान हूँ, केवल आत्मा अकेला कोई व्यवहार नहीं कर पाता, आत्मा अधिष्ठान है, परंतु किसी के साथ मिल करके अपने को अज्ञानी बोल रहे हैं, मैं शुद्ध आत्मा में मैं ज्ञानी हूँ, अज्ञानी दोनों शब्द प्रयोग नहीं होगा, कोई ज्ञानी नहीं बोल सकते कि मैं ज्ञानी हूँ, यज्ञवल्क्य ऋषि नहीं बोला, ये तो तुम्हें अक्षरम का ब्राह्मण लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते, इसलिए यहाँ पे अपेक्षणात् उपादान अपेक्षणात् आत्मनश्च केवलस्य अतद हेतुत्वा, ठीक है, पंचमी जहाँ पे आ रहा हूँ वहाँ पे कमा करना, केवल आत्मा किसी के लिए हेतु नहीं बनता, के आत्मनश्च केवलस्य केवल आत्मा का अतद हेतुत्वा, मत इन भ्रांति व्यवहार हो रहा है, केवल आत्मा यहाँ पे व्यवहार नहीं करता कुछ, कोई एक बीज है वहाँ पे, कोई एक और वस्तु है जो मिलकर के आत्मा को ऐसे बोलवा रहे हैं, शुद्ध आत्मा तो कुछ नहीं बोलता, ना ज्ञानी बोलता अज्ञानी बोलता, इसलिए यहाँ पे बोलता है कि अतत हेतुत्वात् बल तो क्या होगा तत् उपादानत्ते न, इस प्रकार भ्रांति व्यवहार के उपादान के रूप में है, तत् उपादानत्ते न
मतलब तदुपादान मतलब भ्रांति व्यवहार के उपादान के रूप में कोई एक वस्तु को अनादि अज्ञान सिद्धि, अनादि अज्ञान का सिद्ध हो जाता है। ये अज्ञान सिद्ध करने के लिए आप एक अनुमान दे रहे हैं, उसको देखो किंच ये देखो तब समझ में आ जाएगा। देवदत्त प्रमा तन्निष्ठ अप्रमा प्राग अभाव अतिरिक्त अनादि प्रध्वंसिनी प्रमात्वा यज्ञदत्त प्रमावत्। ठीक है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे। देवदत्त प्रमा, देवदत्त के अंदर जिस प्रकार की ज्ञान है उतनी ज्ञान होगा वो ज्ञान तन्निष्ठ, देवदत्त निष्ठ, जब देवदत्त को लेंगे तब देवदत्त निष्ठ अप्रमा प्राग अभाव, मतलब जितना वस्तु का ज्ञान है, जितना वस्तु का ज्ञान आपका है उससे अधिक वस्तु का अज्ञान आपको है कि नहीं है, जरा सोचिए इस चीज को। किसी भी व्यक्ति ने संसार में जितना वस्तु का ज्ञान आप रखते हैं उससे अधिक वस्तु के अज्ञान हमारे है, इसीलिए बोलते हैं तन्निष्ठ अप्रमा प्राग अभाव, उनमें जितना अज्ञान है, जितना वस्तु संबंधित अज्ञान है उन सभी अज्ञान से भिन्न एक अज्ञान है जो अनादि और प्रध्वंसिनी है, जो अनादि है और नाशमान है। ठीक है ना, प्रमात्वात एक प्रमा होने के कारण जिस प्रकार आपको प्रेम संबंधित प्रमा, घट संबंधित प्रमा हुई, तो पहले आपका घट का अज्ञान था, घट का प्राग अभाव था तो अज्ञान था, अब फिर घट ज्ञान हुआ, घट देखा तो घट का ज्ञान हुआ। इसी प्रकार से किस वो जो हमारा आत्मस्वरूप संबंधित अज्ञान है और आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है वो मूल अज्ञान है। तो यहाँ पे बोलते हैं प्रमा, वो एक प्रमा होने के कारण यज्ञदत्त प्रमावत, ये यज्ञदत्त प्रमा हो गया दृष्टान्त, यज्ञदत्त प्रमा हो गया दृष्टान्त। पहले यहाँ पे चार नंबर टिप्पणी को देख लीजिए, एक विशेष प्रकार का अनुमान है यहाँ पे। अब तो इसका प्रक्रिया को बता दिया, यहाँ पे अनुमान को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तब हमको वो उस दिशा में जाएंगे। चार नंबर टिप्पणी बोलते हैं देवदत्त प्रमा इत्यादि इदम अनुमानम महाविद्या अनुमानम इति केचित आहु, कुछ लोग इस प्रकार के अनुमान को महाविद्या अनुमान बोलते हैं। ठीक है ना, इदम अनुमानम ये अनुमान को महाविद्या अनुमानम, ये अनुमान एक महाविद्या अनुमान है इसको कहा जाता है, इति केचित आहु, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं सभी ने। इसका प्रक्रिया क्या है, प्रकारांतरेण दृष्टान्ते शब्द उपसंहार साधित्ये सति प्रकारांतरेण पक्ष शब्द उपसंहार साधित्यं तत्त्वमिति च आचक्षते। अनुमान सही है कि नहीं है ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले दृष्टान्त में हेतु और साध्य दोनों बैठना चाहिए और पक्ष में हेतु बैठना चाहिए, तब तो पक्ष में साध्य सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अनुमान को लगाने के लिए प्रक्रिया क्या है, दृष्टांत में आपका हेतु और साध्य दोनों बैठना चाहिए। ठीक है, और फिर जब हेतु और साध्य दोनों दृष्टि में बैठ गया, अब साध्य आपको पक्ष में बैठना चाहिए, पक्ष में सॉरी हेतु, हेतु आपको पक्ष में बैठना चाहिए, हेतु पक्ष में बैठेगा तो साध्य पक्ष में सिद्ध हो जाता है, ये प्रक्रिया। महाविद्या अनुमान में क्या होता है कि आप जब आप अनुमान सही है कि नहीं है देखने के लिए दृष्टांत में जब आप साधों को बैठाओगे वहां पे एक प्रकार की मान्यता देना पड़ेगा, और जब उसी दृष्टांत उसी साधों को आप पक्ष में घटाओगे तब वहां पे मान्यता थोड़ा सा मतलब शब्द की थोड़ा सा हेरफेर हो जाएगा। तो देखो कैसे है वो बताएंगे हम कि एक जगह पे देवदत्त और यज्ञदत्त दो व्यक्ति क्या कोई विषय संबंधित प्राग अभाव लेकर के दृष्टांत में बैठेंगे, और पक्ष में जब बैठेंगे दृष्टांत में लगा लेके वो उसको मूल अज्ञान की प्राग अभाव, मूल ज्ञान की प्रति अज्ञान, मूल अज्ञान को लेकर के बोलेंगे। इस पर इस पंक्ति को देखिए, प्रकारांतरेण एक दूसरी प्रकार से दृष्टांते साध्य उपसंहार साधित्य सति, दृष्टांत में जब आप साध्य को बैठेंगे वहां पे जिस प्रक्रिया को अपनाएंगे प्रकारांतरेण पक्ष साध्य उपसंहार साधित्य है ना, दूसरे प्रकार से आपको पक्ष में आपको साध्य को बैठाना पड़ेगा। ये जिस अनुमान में होता है उस अनुमान को क्या बोलते हैं, महाविद्या अनुमान बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पे अपने आप बोलते हैं इदम अत्य प्रकारांतरत्तम, ये प्रकारांतर दोनों अलग अलग है, ये क्या है अपने आप बोलते हैं। जब दृष्टांत साध्य संपत्ति वेलायाम, जब दृष्टांत में आप साध्य को घटाओगे तब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे शब्द आया है ना अतिरिक्त अनादि प्रध्वंसिनी, वहां पे अब किसी भी प्रमा का प्राग अभाव ले लो। अब इस समय आपको जो है मैं बोला कि जर्मन भाषा का ज्ञान नहीं है,
तो व्याकरण भाषा का ज्ञान प्राप्त ये दृष्टांत में बैठाते समय आप लगो। और जब आप उसको पक्ष में बैठाओगे तब क्या बोला, पक्ष साध्य संपत्ति बेला, पक्ष में जब साध्य को घटाओगे तब क्या कहा, तेना तू मतलब उस दोनों शब्दों के द्वारा अतिरिक्त अनादि प्रत्यक्षिणी शब्द के द्वारा केवल मूल अज्ञान को लेना पड़ेगा। केवल उस विषय का नहीं लेंगे, केवल एक विषय नहीं लेंगे, वहां पे मूल अज्ञान को लेंगे। जब जब आपको दृष्टांत में आपको साधु को बैठाना है तो आपको एक विशेष स्थान की अज्ञान को लेकर के समझाएंगे, और जब आप उसको पक्ष में बैठाएंगे देखो तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मूल अज्ञान में घटा के रखना है। समझ में आया? आप देखिए यहाँ पे दृष्टांत क्या है, यज्ञदत्त प्रमावत्त, यज्ञदत्त प्रमा में प्रमात्व धर्म रहेगा, प्रमा में प्रमात्व धर्म रहेगा, तो प्रमात्व रूपी जो हेतु बैठ गया, आपको दृष्टांत में हेतु और साध्य दोनों को बैठाना है, ठीक है ना। तो यज्ञदत्त प्रमा में ये दृष्टांत है, यहाँ पे प्रमात्व धर्म रहेगा। अब जो है साध्य देखिए, तन्निष्ठ अप्रमा प्रागभाव, तन्निष्ठ यह तत्पथ के द्वारा अब यज्ञदत्त लेना है आपको। ये यज्ञदत्त निष्ठ जितना वस्तु के अज्ञान है, अज्ञान की प्रागभाव मतलब इस वस्तु के अज्ञान प्रभाव का वो क्या होता है, जिसका ज्ञान है उससे अतिरिक्त है। हमारे पेन का ज्ञान है परंतु मेरे को टेबल का ज्ञान नहीं है, तो पेन का ज्ञान से भिन्न ज्ञान होगा वो अतिरिक्त, परंतु ये ज्ञान भी मतलब जो पेन का ज्ञान जैसा पहले अनादि था परंतु नाशवान हुआ, ठीक इसी प्रकार घट का ज्ञान भी जो इस समय घट नहीं दिखाई पड़ रहा, घट का ज्ञान की प्राग अभाव है, वो घट वस्तु देखने पर घट का अभाव उत्पन्न मतलब नाश हो जाता है, ठीक है ना। दृष्टांत में घटाते समय इसको ऐसा लगाना पड़ेगा, मतलब एक वस्तु की प्राग अभाव मतलब ज्ञान की प्राग अभाव, एक वस्तु की ज्ञान की प्राग अभाव उस वस्तु के ज्ञान से मिट जाती है, ठीक है। ये हमारा यज्ञदत्त में लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं तन्निष्ठ अप्रमा प्राग अभाव अतिरिक्त अनादि, अतिरिक्त अनादि प्रत्यक्ष से क्या लेंगे, जिसका ज्ञान है उसका अतिरिक्त कोई वस्तु का अज्ञान, जो अनादि है। आप कब से जर्मन भाषा नहीं जानते हो, हम पता ही नहीं है हमको अनादि, परंतु जब पढ़ लेंगे उसका ज्ञान हो जाएगा, है ना। तेल अनादि प्रत्यक्षी जो जो इस समय अंग्रेजी भाषा से भिन्न भाषा हुआ, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हमें है, जर्मन भाषा का ज्ञान नहीं है, तो अतिरिक्त तो अनादि प्रत्यक्षी जिसका ज्ञान है उस ज्ञान से अतिरिक्त तो वस्तु है और वो अनादि भी है, जब उसको जान लेंगे तो नाश भी हो जाएगा। यानी कि दृष्टांत में घटाते समय आपको क्या करना पड़ेगा, जिस वस्तु के ज्ञान है उससे अतिरिक्त कोई वस्तु को लेकर के घटा के दिखाना है। देखो जिस वस्तु की ज्ञान आपको है उससे बोला ना यहाँ पे कि दृष्टांत में घटाते समय एक प्रकार के लगाना पड़ेगा और दृष्टांत में घटना दूसरे प्रकार से लगाना पड़ेगा। तो दृष्टांत में घटाते समय जिस वस्तु के ज्ञान हमें है उस ज्ञान से भिन्न कुछ एक वस्तु के ज्ञान ले लो, जिसका अज्ञान मुझे है और उस वस्तु के ज्ञान से क्या होता है, वो अनादि भी है नाशवान भी है, अज्ञान अनादि है नाशवान भी है। ये हमें हर जगह पे दिखाई पड़ते हैं, चाहे घट अभाव घट ज्ञान की अभाव हो, पट ज्ञान की अभाव हो, मद ज्ञान की अभाव हो, वो अनादि भी प्रत्यक्ष भी है, जिस ज्ञान को मैं जानता हूँ उससे अतिरिक्त तो भी है वो। अब हम इसको देवदत्त में घटाना है, अब क्या कैसे वहाँ प्रमात्व तो बैठ जाएगा, देवदत्त प्रमा में प्रमात्व बैठ जाएगा। अब क्या है कि जितना ज्ञान देवदत्त है उससे अतिरिक्त ज्ञान, क्योंकि यहाँ पे अब विषय नहीं लेना पड़ता, अनादि अज्ञान वहाँ पे बोला गया। पहले क्या बोला महाविद्या क्यों है कि दृष्टांत में घटाते समय समझाने के लिए हमने ऐसा समझाया, परंतु अपने स्वरूप संबंधित अज्ञान भी तो है आपको, हाँ दृष्टांत में घटाते समय स्वरूप संबंधित अज्ञान को बताना पड़ेगा आपको, तब कोई विषय संबंधित नहीं लेना है, यही महाविद्या अनुमान की विशेषता है। देवदत्त के अपने स्वरूप संबंधित अज्ञान जिसने जितना वस्तु का ज्ञान है उस जितना वस्तु का अज्ञान है उस अज्ञान से भिन्न अज्ञान है। दोनों अज्ञान लेना है, दोनों अज्ञान लेना है, जितना वस्तु का अज्ञान उनके पास है उस अज्ञान से एक अतिरिक्त अज्ञान, वो अज्ञान क्या है, अनादि है नाशवान है, आत्मज्ञान से नाश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं कि अब इसीलिए ये टिप्पणी कर ये गाइड नहीं करते तो ये घटाना मुश्किल पड़ता है। अरे भगवान तन्निष्ठ अप्रमा प्राग अभाव अतिरिक्त अनादि प्रध्वंसिनी, ये हो गया आपका साध्य, पक्ष हो गया देवदत्त प्रमा हो गया पक्ष, और साध्य हो गया तन्निष्ठ अप्रमा
प्राग अभाव अतिरिक्त अनादि प्रदंशिनी। हाँ। तो पहले देखो ना, देवदत्त के पास जिस वस्तु संबंधित ज्ञान है वो क्या हो गया, तन्निष्ठ अप्रमा पराग। जितना वस्तु का ज्ञान नहीं है उससे भिन्न अतिरिक्त है वो अनादि प्रदंश भी है। ठीक है, तो आप क्या हो गया, क्योंकि प्रमात्ता सभी प्रमा में यही सिद्धांत है, सब उस वस्तु संबंधित अज्ञान पहले रहता है और इस वस्तु के ज्ञान होने पर फिर वो ज्ञान नाश हो जाता है। यज्ञ दत्त प्रमा, यज्ञ दत्त में जैसा ज्ञान होता है। अच्छा, यज्ञ दत्त की प्रमा देवदत्त की प्रमा में भी भिन्नता है, आपके ज्ञान में भिन्नता है, वहां भी ये बैठ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या करना है आपको कि इस टिप्पणी का क्या बोला कि आपको दृष्टांत में आपको आप हेतु और साध्य दोनों को बैठाना है। दृष्टांत में जब हेतु और साध्य को आप बैठाएंगे तब क्या करना पड़ेगा, प्रमात्म तो हेतु तो बैठ ही जाएगा, वहां पे यज्ञ दत्त का जो भी वस्तु का ज्ञान है उससे भिन्न किसी एक वस्तु के अज्ञान को लेकर के खड़ा के दिखा दो, हो जाएगा ये। और देवदत्त में घटना समय क्या करेगा, जितना वस्तु संबंधित का ज्ञान अथवा अज्ञान जो भी कुछ आप लेंगे मुख्य रूप से अज्ञान लेना, उससे अतिरिक्त एक अज्ञान है, उससे अतिरिक्त एक अज्ञान है जिस अज्ञान अनादि प्रदंशी तभी वो नाशमान होगा। आप देखिए कि यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं, इधर तन्निष्ठ अप्रमा मतलब अज्ञान। अब आप शब्द को देखिए, तन्निष्ठ मतलब जहाँ पे जिसमें लगाएंगे, जिसकी जब यज्ञ दत्त में होगा तो तत्पथ के तरह यज्ञ दत्त को लेंगे, जब देवदत्त लेंगे तो तत्पथ देव को देवदत्त को लेंगे। अब ये देखिए अप्रमा मतलब अज्ञान, और अज्ञान का प्राग अभाव, जिस वस्तु का ज्ञान अज्ञान, जिस वस्तु का अज्ञान है तो उसका प्राग अभाव आपके पास है, तो जिस जो आपका वस्तु का अज्ञान का प्राग अभाव है उससे अतिरिक्त एक और वस्तु है। ठीक है ना, अतिरिक्त और क्या होगा, अनादि प्रदंशिनी होगा। तो दृष्टांत मतलब यज्ञ दत्त में घटाते समय उसको क्या करेंगे, अलग अलग वस्तु के प्राग अभाव को लेंगे, ज्ञान की प्राग अभाव को लेंगे, अलग अलग वस्तु के ज्ञान की प्राग अभाव को लेंगे। और देवदत्त में घटाते समय मतलब पक्ष में लगाते समय, क्योंकि इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि अनादि अज्ञान है जो ज्ञान के द्वारा गाह्य है, क्या सिद्ध, आप इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं, बोला ना ज्ञान गाह्य बीज अभावे, ज्ञान गाह्य बीज, ज्ञान के द्वारा जल जाने जो बीज अज्ञान है वहां पे, जिसको मूल अज्ञान बोलते हैं। इस मूल अज्ञान को सिद्ध करने के लिए कोई दृष्टांत तो दिया, फिर बाद में एक अनुमान के द्वारा दिखा रहे, अनुमान हो गया महाविद्या अनुमान, इसको थोड़ा सा सोचना, फिर कल समय हो गया, फिर कल दोबारा इसको देखेंगे। इसमें ये भी है कि जो जो हम यज्ञ दत्त के यज्ञ दत्त का जो अज्ञान है, हाँ। वो यज्ञ दत्त अगर ज्ञान प्राप्त करेगा तो वो तो उस वस्तु संबंधी यज्ञ दत्त पहला किसी एक वस्तु संबंधित अज्ञान, वो अज्ञान आपका अनादि है, जितना वस्तु का ज्ञान है उससे अतिरिक्त भी है, उससे अनादि भी है और नाशवान भी है। ये दृष्टांत में आसानी समझ में आ जाता है। जर्मन सिख के उसका चला गया अज्ञान है ना, तो लेकिन ये जो यज्ञ दत्त का ज्ञान जा रहा है ये प्रत्यक्ष मतलब जो इंद्रिय जन्य ज्ञान प्राप्त करके इंद्रिय जन्य अज्ञान चला जा रहा है। क्योंकि वो इंद्रिय गम्य नहीं है, वो अनुभव गम्य है, वो अनुभव गम्य है। ये अभिप्राय यहाँ पे होता है, जितना ज्ञान का आपका है उससे अतिरिक्त होगा। अजीब रखते ओम प्रज्ञान प्रज्ञा वैशाख भेद क्षुभित जल निधे, दूसरा नंबर का प्रज्ञा वैशाख भेद क्षुभित जल निधे वेद नाम्नान्तरस्थं भूतान्यालोक्यमग्नानि अभिरत जननग्राह घोरे समुद्रे कारुण्यारुद्धहारमृतमिदं मम रे दुर्लभं भूतहेतो यस्समुच्चाविमुच्यं परमं गुरुं नमः पादपादैर्नमस्ते।